हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो जे देखो फ्रेंड, हम जे का लेके आए हैं, जे हम बाजार से भुट्टा लेके आए हैं। और अब हम भुट्टा को का करिए, जे भुट्टा हम जा रहे हैं गैस पे भूनन। तो जॉन जॉन के भुट्टा खाए वो पसंद हो तो आए जाओ फ्रेंड। फ्रेंड जे देखो अड़िया भुनबो चालू हो गई है। जे देखो भुट्टा भुजबो चालू हो गए। गांव में जाको अड़िया बोली जात। एक गैस पे हमने दो भुट्टा रख दिए हैं और दूसरी गैस पे हमने एक भुट्टा रख दो है। ये भुट्टा भुजबो हो गए चालू। फ्रेंड हम जो है गांव की भाषा पूरी कोशिश कर रहे हैं बोलने की। हम गांव में तो नहीं रहे हैं, हम दिल्ली में रहे हैं और हम जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं गाँव की भाषा बोलने की। देखो जे देखो भुट्टा भुन रहे हैं ये। तो हमसे कोई गलती हो जाए फ्रेंड तो हमें माफ़ कर दियो, क्योंकि हम जो है गांव में नहीं रहे, परमानेंट दिल्ली में रहे हैं। शादी भी हमारी दिल्ली से भाई है और बच्चे भी दिल्ली में भाई हैं। गांव में तो हमें अभी 4 साल हुए हैं आए हुए, तो मिक्स मैचिंग हो जाएगा गांव की भाषा भी और दिल्ली की भाषा भी। तो फ्रेंड कोई मिस्टेक हो वीडियो में तो सॉरी उसके लिए, लेकिन हम पूरी कोशिश करें हैं गाँव की भाषा बोलने की। तो जे देखो फ्रेंड्स, आधे आधे भुट्टा जो है भुन गए हैं और आधे आधे रह गए हैं। तो जे वो हम भून लें। और इधर हमने जो है ककोरा की सब्जी हम आज रात को बनाने जा रहे हैं, तो हम ककोरा जो है धोए के रख दें, भुट्टा खाने के बाद बनाएंगे। ककोरा की सब्जी जो है हमें खाने में बहुत अच्छी लगा थी, तो हम जो है आज ककोरा बनाइए। ककोरा खाने के कई फायदे हैं दोस्तों। ककोरा खाने से ना कैंसर भी नहीं होता है, तो ककोरा जो है कभी कभी ज़रूर खाने चाहिए। फ्रेंड जे हम रात के खाने की तैयारी कर रहे हैं, जब तक भुट्टा भुन जाइए तब तक जे हमने सोची चलो धो के रख दिए, फिर काटिए इन्हें। तो फ्रेंड जे देखो भुट्टा हो गए भुन के तैयार। अब हम जा में क्या करिए, जहाँ में हम लगाइए बढ़िया से नून यानी कि नमक और नींबू। बहुत अच्छा लगा था जब जहाँ में नींबू और नून लगा था, बहुत अच्छा लगा था। तो हम अभी अच्छे से जहाँ में नींबू और नमक लगाए दें, फिर खाइए देखो बहुत मज़ा आता है। तो फ्रेंड जे हमने भुट्टा खाए वो कर दिए हैं शुरू। और आपों के अगर खाने हैं तो आ जाओ हमारे घर है, तभी आपको मिलिए भुट्टा खाए मैंने को, ऐसे तो मिलिए नहीं है कि नहीं। तो अभी हम चलते हैं अपने रूम में। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे बच्चों ने भी खाना शुरू कर दिया है भुट्टा। हम सब लोग मिलके खा रहे हैं। तो फ्रेंड जे देखो हमारा ढोलक लगी थी मेरे बच्चों के पापा ने मेरे लिए। जे देखो हमारे जो है ना चूहा इतने गंदे हैं, हमारे घर में जो है ना चूहा बहुत मोटे मोटे रह रहे हैं। जे देखो छेद कर दो जाने, ढोलक ही बेकार कर दई। अब बताओ कैसे बजाइए जाको। हम सीकन के लाए लई थी फ्रेंड सिग्गो ढोलक, कद्दो जा में छेद, बहुत चूहा हरामी है हमारे घर में। इतने मोटे मोटे चूहा हो रहे हैं, बहुत मोटे मोटे कपड़ा काट दे, बहुत नुकसान कर रहे थे सही में। का करें समझ में नहीं आ रही। ये गणेश भगवान भी है ना अपनी सवारी को संभाल के तो रखत नहीं है, परेशान है हम इन चूहन से। कभी आलू काट दे, कभी प्याज काट दे, बात धरो ही है अगर आलू प्याज तो देखो काट के रख दे, बहुत नुकसान करते हैं सही में चूहा। खा लो प्याज, आलू तीन बार बात करते हैं। अब बताओ चूहन को जूठो खाए को मन करिए, कहूँ नाली में घूमते हैं, कहूँ लेटरिन में घूमते हैं, बताओ कौन खाए जा प्याज को आलू को, सब बर्बाद कर दे सही में, बहुत नुकसान करा देंगे। इतनी गुस्सा आता है कि बहुत गुस्सा आता है इन चूहन पे। रसोई में खाना धरो ये तो बहु फ्रेंड बर्बाद कर देते हैं चूहा। अब देख लो साबुन की गट्टी डेटॉल की हमारी दोए गायब कर दई। बाथरूम में से नई गट्टी उठाए के ले गए, पता नहीं कहाँ, पता नहीं चूहा नहान गए का करन गए साबुन से, समझ में नहीं आते। चूहा भी नहाते बताओ साबुन से नहाते, डेटॉल साबुन से, और कोई साबुन नहीं मिलो, दोए नई गट्टी उठाए के ले गए बताओ।
तो फ्रेंड जी हम ब्लॉग जो है यहीं समाप्त कर रहे हैं और हम नए ब्लॉग में मिलिए, तब तक के लिए बाय बाय।